आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका जो कोई इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डिलीट हो चुका है तो उसको वापस कैसे लाएंगे। एक आसान तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, जो कि अभी तक आपको जो पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया होगा। तो इंस्टाग्राम का अगर आपका कोई रील्स वीडियो डिलीट होगा उसको वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। आपको जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखते प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ऊपर यहाँ पर आपको सर्च बार देखिए सिंपली आपको सर्च बार पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो टाइप करके सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। और जैसे आप इंस्टाग्राम टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आ जाएगा। आने पर यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यहाँ पर आने पर इसको सबसे पहले आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करने बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन अपडेट होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये अपडेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखते डाउनलोडिंग जो होना स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए यहाँ पर हम जो अपडेट होने तक वेट करते हैं। अब यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है, अपडेट होने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कोई इंस्टाग्राम जो है रील्स वीडियो डिलीट हो चुका तो उसको वापस लाने के यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल का किनारे में, यहाँ पर आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एक रील्स वीडियो है, ठीक है, जो कि मैंने अपलोड किया था, यहाँ पर वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी आपको रील्स वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मैंने एक जो है इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड किया था वो डिलीट हो चुका था, उसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मेरा जो यूजर आईडी दिख रहा होगा, प्लीज़ आप जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं आपका जो रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर आपका जो कोई इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डिलीट हो चुका तो उसको वापस लाने के लिए यहाँ पर किनारे में आपको थ्री डॉट दिख रहा है, सिंपली आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए लिखा सेटिंग, सिंपली आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा अकाउंट का, सिंपली आप अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके कुछ इस तरीके से नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा रिसेंटली डिलीट का, सिंपली आपको रिसेंटली डिलीट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डिलीट हुआ रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरा एक जो है इंस्टाग्राम रील्स वीडियो यहाँ पर डिलीट हुआ है, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम रील्स वीडियो दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका जितने भी वीडियो डिलीट हुआ रहेगा सारा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसको रिकवर करने के लिए आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है, जिस वीडियो को आप रिकवर करना चाहते हैं उसी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे किनारे में यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है, सिंपली आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है रिस्टोर का, सिंपली आप रिस्टोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इंस्टाग्राम में जो भी आपका मोबाइल नंबर और जीमेल रजिस्टर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो भी आपका इंस्टाग्राम मोबाइल नंबर रजिस्टर वो आपके पास होना चाहिए। अगर या तो अगर आप यहाँ पर ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट जो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि जो आपका यहाँ पर ओटीपी आएगा, अगर आप जो फोन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, अगर ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो है ईमेल अकाउंट पर ओटीपी आएगा। चलिए यहाँ पर हम फोन नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे लिखा है नेक्स्ट, सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे नंबर पर अभी ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ओटीपी कब तक आता है। यहाँ पर जैसे ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्म लिखा है, सिंपली आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको किनारे में थ्री डॉट दिख रहा है, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर से आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। ये आपका जो है इंस्टाग्राम रील्स वीडियो जो डिलीट हुआ था वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो यहाँ पर जो है गायब हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल पर क्लिक करना और यहाँ पर देखते हैं आप जो है रील्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका वीडियो डिलीट हुआ था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका वीडियो नहीं दिखता तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को जो यहाँ से बैकग्राउंड से हटा देना है, फिर से आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है ओपन करना है और फिर से आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पर क्लिक करके प्रोफाइल में चले जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो था जो डिलीट हुआ था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो यहाँ पर वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डिलीट हुआ उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो अगर आपका इंस्टाग्राम का रील्स वीडियो है जो डिलीट हुआ वो 30 दिन के अंदर का होना चाहिए। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया डिलीट हुए तो आप उसको वापस नहीं ला सकते, 30 दिन के अंदर जो है उसको वापस ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो आज डिलीट हो जाता है अगर आपका इंस्टाग्राम रील्स वीडियो तो उसको जो आप एक महीने के अंदर जो है उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर एक महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर देना है एंड जो उसको मेल का अंदर तक उस पर क्लिक करके ऑल पर तक नए वीडियो देख पा सकते हैं।